अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू फास्ट इनसाइट। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में ऑफर की जाने वाली डिग्रीज की वीडियो सीरीज के अंदर आज की दूसरी वीडियो के अंदर हम मैथ्स कॉम को डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स कॉम के अंदर क्या होता है, इसका करिकुलम, इसका स्कोप और किस तरह के कैंडिडेट को या किस तरह के स्टूडेंट को मैथ्स कॉम के अंदर जाना चाहिए। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल मुनिम, जो कि नस्ट से मैथ्स कॉम कर रहे हैं और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो अब्दुल मुनिम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं फिजान, आप कैसे? जी मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले मैं, आप मैथ्स कॉम कर रहे हैं तो मैथ्स कॉम के हवाले से एक जो बहुत बड़ी मिथ वो ये है कि मैथ्स कॉम जो भी करता है वो सहाफत में ही जाता है, या वो सहाफी बनता है या एंकर बनता है या माइक उठाए न्यूज रिपोर्टिंग करता होगा। मैथ्स कॉम के हवाले से यही एक जो आम ख्याल है वो पाया जाता है, इसके हवाले से इसमें कितनी सच्चाई है और जो मैथ्स कॉम की फील्ड है वो एक्चुअली सहाफत के साथ कितनी रिलेट करती है, तो इस पर थोड़ी सी आप अपने कमेंट पास करें कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। ये मिथ जो इस तरह के है ना, ये मैथ्स कॉम टोटल भी जर्नलिज्म में नहीं, मैथ्स कॉम सहाफत का एक उसके स्ट्रीम है सहाफत में, वैसे मैथ्स कॉम थोड़ा ब्रॉडर है, जो जर्नलिज्म है वो उसका एक पार्ट है। जिस तरह आप स्पेशलाइजेशन, जैसे आपकी डिग्री है उसमें भी स्पेशलाइजेशन होती है, AI हो गया, आपकी डिग्री CS है उसमें तो AI होगा, उसमें मशीन लर्निंग होगी। इसी तरह जो मैथ्स कॉम है इसकी भी तीन स्ट्रीम्स हैं, जो सबसे तीन पॉपुलर स्ट्रीम है उनमें पहले आया था जर्नलिज्म सहाफत जिसका आप कह रहे हैं, उसके बाद इसकी एडवर्टाइजिंग और PR एक ये भी स्ट्रीम है, तीसरी इसके स्ट्रीम में प्रोडक्शन सिनेमा वगैरह की प्रोडक्शन। जब सहाफत है उसमें तो हर कोई बंदा रिपोर्टर बन सकता है उसकी, अब तो डिजिटल मीडिया ने अब हर किसी बंदे के लिए इजी कर दिया है, ट्विटर फेसबुक से लेके यूट्यूब पे चैनल बना के हर कोई सहाफत मान लिया। उसकी बाकी फील्ड्स हैं जैसे कि हो गया एडवर्टाइजिंग और PR, क्रिएटिव माइंड लोग इन वो लोग जाते हैं इसमें, और आपने देखा होगा कितनी भी एडवर्टाइजिंग ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं वो सारे इसमें जाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजिंग का काम क्या होता है, प्रोडक्ट को बेचना, और बेचने के लिए उन्होंने एडवर्टाइज बनानी पड़ती है हर चीज़, हर प्रोडक्ट के एडवर्टाइज हम देखते हैं अपने चैनल्स पे, तो एक वो फील्ड है। और तीसरी जो फील्ड है प्रोडक्शन की, अब नाम से प्रोडक्शन है तो पता चलता है प्रोडक्शन में उन्होंने ज़्यादा कैमरा रिलेटेड वर्क होता है, ज़्यादातर मूवीज वगैरह इनके प्रोडक्शन के लिए काम आता है वो। और इसके अलावा इन तीन फील्ड्स के अलावा एक और जो होती है फील्ड भी रिसर्च वर्क है, इसके आप रिसर्च फील्ड में जैसे बाकी फील्ड्स की रिसर्च होती है इस तरह इसमें भी रिसर्च होती है। आज मुझे पहली दफा ये पता चला है कि मैथ्स कॉम सिर्फ सहाफत का नाम ही नहीं है, इसके अलावा भी मैथ्स कॉम के अंदर और बहुत सी चीजें हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट भी इसी में इसका पार्ट है, और जो सिनेमा फिल्म प्रोडक्शन वो भी एक इसकी स्ट्रीम ही होती है। अच्छा, मैथ्स कॉम जो है ये बहुत ही एक गुमनाम सी फील्ड, आम जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जो 80-90% स्टूडेंट्स करते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल, उनमें से जो भी मैथ्स कॉम में जाते हैं वो या तो बाय चांस चले जाते हैं या बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनका माइंडसेट ये होता है कि हमने मैथ्स कॉम में जाना है। तो इसलिए इसके करिकुलम के हवाले से, इसके अंदर पढ़ाया क्या जाता है, इसके 4 सालों में आप क्या पढ़ते हैं, इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमारे नॉलेज का फुकदान है। तो इसके करिकुलम तो आप अगर डिस्कस करें कि उसमें आप 4 साल की डिग्री के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं और किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस रहता है मैथ्स कॉम के अंदर, तो इसके हवाले से आप थोड़ी सी डिटेल शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जिस तरह बाकी में सब्जेक्ट्स में उसके स्ट्रीम्स हैं, तो इस तरह उन स्ट्रीम्स के बारे में भी ज्यादातर पढ़ाते हैं। उसके अलावा आप चार्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो बेसिक सब्जेक्ट एथिक्स हो गए शुरू के सालों में तो वो पढ़ाते हैं, उसके बाद पर आपको ये एज ए सोशल साइंस है लाइक अदर सोशल साइंसेज का उनके भी टॉपिक्स टच करवा दें, जैसे इकोनॉमिक्स होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी, साइकोलॉजी होगी, क्योंकि उनका भी इसके साथ थोड़े लिंक्स होते हैं। उसके अलावा जब आप आगे इस फील्ड में जाते हैं तो उसमें आपको कैमरा वर्क के बारे में सारे बताते हैं, कैमरा फोटोग्राफी किस तरह करते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इसका पार्ट है। अगर आपके जहन में, ज़्यादातर लोगों के जहन में सहाफत का होता है, तो इस सहाफत के अलावा भी इसमें न्यूज़ राइटिंग, रिपोर्टिंग लिखनी, कैसे खबर को एनालाइज कैसे करनी, ये चीज़ें भी सब सिखाते हैं, रिसर्च कैसे करनी ये भी बताते हैं, इसके थ्योरीज हैं मुख्तलिफ उनके बारे में बताया जाता है, तो ये सब चीज़ें इसके करिकुलम में पार्ट होती है। पर एंड पे आके इसके फिर 3 स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं, स्ट्रीम्स आ जाती हैं कि आपने किस में जाना है। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव साइड पर हैं तो आपको एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है।
उसमें आपने जो कॉपी लिखनी होती है ऐड की, ऐड की स्क्रिप्ट क्या होगी, ऐड में आप लोगों को कौन सी टेक्निक से अट्रैक्ट करेंगे। जो आप अगर आप प्रोडक्शन की तरफ जाना चाहते तो आप वो देखें आपके कैमरा वर्क कैसा, आपको कैमरा कितना अच्छा चलाना आता है, आपके सिनेमेटिक्स आप किस तरह लेते हैं, आपको वीडियो एडिटिंग कितनी अच्छी आती है, वो चीज़ें भी सारी मैथ्स कॉम में। ये न्यूज़ वगैरह में जाते हैं, न्यूज़ का फील्ड काफ़ी पहले ट्रेडिशनल से बाइस से काफ़ी चेंज होते हैं, पहले इनका फोकस अखबारों वगैरह पर होता था, अब वो चीज़ चेंज हो गई, अब ज़्यादा डिजिटल मीडिया का टाइम आ गया। तो अब इसमें फिर मैथ्सकॉम के अंदर जहाँ तक मैं समझाऊँ वो ऐसा है कि थ्योरेटिकल इसमें बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो वो एज अ फॉर्मेलिटी होता है, और ज़्यादा जो इसमें फोकस होता है या आपको खुद भी एज अ स्टूडेंट मैथ्सकॉम के स्टूडेंट करना चाहिए वो आपको अपनी स्किल बिल्डिंग पर करना होता है। वो न्यूज़ राइटिंग की स्किल होगी, वो न्यूज़ एनालिसिस की स्किल होगी, वो प्रोडक्शन की स्किल होगी, या फोटोग्राफी या इस तरह से जो सिनेमेटोग्राफी इनकी स्किल होगी। तो ये आपने जनरल थ्रू आउट डिग्री के अंदर जिन चीज़ों पर फोकस रहता है उन चीज़ों के बारे में बता दिया। तो अगर हम इसको सेमेस्टर वाइज देख लें कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेन कोर्सेज होते हैं मैथ्स कॉम के रिलेटेड वो कौन से होते हैं, सेकंड और थर्ड, और इस तरह हम सेमेस्टर वाइज इनको अगर देख लें तो ये हमारे व्यूवर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वैसे तो ये चीज़ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करते, पर जो हमारे थे स्टार्ट में उन्होंने इनिशियल कोर्सेज थे कि फर्स्ट में मैथ्स कॉम की हिस्ट्री बता रहे थे किस तरह डेवलप हुआ है, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उसकी प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह, इस तरह की बेसिक से फर्स्ट मौसम शुरू हुआ। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको मैंने उन्होंने चीज़ें पढ़ाई थी कि इसमें अगर आपने प्रोडक्शन वाली साइड पे हैं तो आइडिया डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट था कि आइडिया डेवलप कैसे करना है, स्क्रिप्ट किस तरह लिखनी है। उसके बाद फिर उसके बाद उसी स्ट्रीम में अगला जो सब्जेक्ट था वो था वीडियो एडिटिंग किस तरह करनी। इसी तरह शुरू में हमें आईटी का इंट्रोडक्शन था, उसके बाद फिर हमसे ग्राफिक डिजाइनिंग, और उसके बाद फिर उसी चीज़ को आगे लेकर एडवर्टाइजिंग वगैरह में इम्प्लीमेंट करना, इस तरह के हमारे कोर्सेज थे। एडवर्टाइजिंग और पीआर के भी बहुत अच्छे कोर्सेज थे कि पीआर किस तरह करनी होती है, एक पूरी कंपनी की पीआर कैंपेन किस तरह चलानी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे चलानी, ये हमने थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था। उसके अलावा जो हम सहाफत वाली चीज़ों में हमने न्यूज़ राइटिंग रिपोर्टिंग पढ़ी थी, उसकी एथिक्स पढ़ी थी कि क्या एथिक्स हैं, उसके अलावा हमने उसके बारे में ये पढ़ा था कि ये कॉलम्स वगैरह लिखते हैं, इस तरह की चीज़ें भी हमने साथ साथ उसके पढ़ी थी। उसके बाद जब हम उसकी अगले स्ट्रीम्स में जाते हैं तो फिर सहाफत ज़्यादा डायरेक्टेड हो जाती है, टाइप्स ऑफ सहाफत पाया था, जैसे कि एक क्रिमिनल जो उनसे केसेस होते हैं उनकी एक सहाफत की एक अपनी टाइप होती है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसको कहते हैं हम, वो चीज़ें भी पढ़ना। इस तरह जो एडवर्टाइजिंग है उसकी भी फिर हम पहले शुरू में जो चीज़ इंट्रो से और शुरू होती है, इस तरह पी आर का भी इंट्रो होता है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग को हम चेंज करते हैं और वो जाता है न्यूज़ आर्ट, उसके आर्ट के कॉपी राइटिंग में जाता है, उसके बाद आर्ट डायरेक्शन में जाता है, उसके अलावा हम इसमें जाते हैं कॉरपोरेट लोग, कॉरपोरेट्स का मीडिया किस तरह वर्क करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉरपोरेट से डील कर रहा है, तो ये जो पीबीए की मार्केटिंग है उसके साथ काफ़ी रिलेट होने लग जाता है, ये ऑलमोस्ट मार्केटिंग जैसा हो जाता है। तो एडवर्टाइजिंग में हमें मार्केटिंग के साथ साथ करना होता है कि किस तरह आप मार्केटिंग कर रहे हैं, लोगों के कंपनीज का आपको फीडबैक मिल रहा है उस पर कैसे काम करना है। इस तरह हम इसी तरह वजह से जो एडवर्टाइजिंग और जो डिजिटल मीडिया आजकल बहुत ऊपर जा रहे हैं, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग वगैरह इस तरह भी ई-कॉमर्स में, तो वो सारी चीज़ें से रिलेटेड हो जाती है। इसके अलावा जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं उनकी मैथ्सकॉम के अंदर क्या सूरत हाल होती है, जैसा कि मैथ हो गया या जिस तरह से कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इसके अंदर बहुत कम यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि सिक्स सेमेस्टर तक आते जाते इलेक्टिव कोर्सेज ऑफर करना शुरू कर देती हैं। लाइक अगर हमारी यूनिवर्सिटी को लिया जाए तो इसमें जो पहला इलेक्टिव कोर्स ऑफर किया जाता है वो फिफ्थ सेमेस्टर में जाके किया जाता है, और इससे पहले जितनी भी जो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड स्टडी होती है वो बेसिक्स की स्टडी होती है, यानी कि वो स्टडी करना हर कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट के लिए जरूरी होता है। तो इस तरह से इलेक्टिव की सूरत हाल मैथ्सकॉम की फील्ड में क्या है, इसमें किस सेमेस्टर में आके आपके पास इलेक्टिव की ऑप्शन आना शुरू हो जाती है, और कितनी स्टडी जो है वो बेस स्टडी कहलाती है, यानी कि हर मैथ्सकॉम के ग्रेजुएट को उतनी स्टडी होना लाजमी है, उसके बाद वो इलेक्टिव की तरफ जाना शुरू होता है। हमें पहले पांच सेमेस्टर में सब बेस कोर्सेज थे, बस सिक्स है ना उन्होंने हमें ये इलेक्टिव का ऑप्शन दिया, हर सेमेस्टर में आगे इलेक्टिव के बाद दो दो दे देते हैं हम एक सब्जेक्ट्स के पिक करने हैं। अगर आप एडवर्टाइजिंग में तो आपके लिए ये ऑप्शन है, जो आप प्रोडक्शन उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है, जो अगर आप उसमें जो जर्नलिज्म में तो आपके पास ये ऑप्शन। ये इलेक्टिव सिलेक्शन के बारे में भी मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा, बहुत डिलेमा में होते हैं, कोई समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा रखें, कुछ होते हैं कि फ्लो के साथ चलते हैं, अच्छा ज़्यादा लोग जर्नलिज्म में जाए तो ज़्यादा लोग जर्नलिज्म में जाएँ, ज़्यादा लोग एडवर्टाइजिंग में आना चाह रहे हैं तो हमारे एडवर्टाइजिंग। मैं कहता हूँ इसके बजाय आपको अपने असेस करना चाहिए कि स्किल्स कौन से अच्छे, अगर आपके एक्स्ट्रोवर्टेड नेचर है और आप
आपको बात अच्छी तरह करनी आती है, फिर आपको जर्नलिज्म में जाना चाहिए, आप लोगों से सवाल पूछना आता है, आपको सवाल क्रिएट करना आता है। अब आप हर बंदा इजीली सवाल नहीं क्रिएट कर सकता, कोई पॉइंट्स देखना, कोई बात करना, उसमें अगले के बाद में से जो क्वेश्चन निकालने, ये जर्नलिज्म होता है। तो वो जिसको करना आता है वो जर्नलिज्म में जाए। एडवर्टाइजिंग अगर आप क्रिएटिव हैं, आपको पहले कोर्सेज होते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि एडवर्टाइजिंग है कि आपको एक बेजान चीज़ भी बेचनी है, किस तरह बेचेंगे, जिसके कोई वैल्यू नहीं, मन लोग समझ रहे हैं कि इसमें क्या होगा। पर एडवर्टाइजर का काम है कि उसको इस तरह की टेक्निक डाले कि लोगों के लिए वो चीज़ अट्रैक्टिव है और लोग उसकी तरफ आ जाए। प्रोडक्शन में वो लोग जाएं जिनको कैमरा वर्क अच्छा, मैंने बात पहले भी मैंने अच्छी की थी, कैमरा वर्क अच्छा, जिनको स्टोरी अच्छी लिखनी आती है, जिनकी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी है। हर बंदा हमारे मुख्तलिफ स्टोरी के लोग इनसे इंस्पायरेशन लेते हैं। ये नहीं होता कि आप हॉलीवुड की कोई मूवी उठाएं उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पता, आपको स्टोरी खुद क्रिएट करनी है कि अगर आप स्टोरी खुद क्रिएट इस तरह करेंगे कि आप खुद जाएं और लोगों को अपने इर्द गिर्द देखें, उनसे इंस्पायरेशन लें और अपनी स्टोरीज लिखें, अपनी स्क्रिप्ट रखें, उन लोगों को प्रोडक्शन में जाना चाहिए जो इस तरह जान डालते हैं अपनी स्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस हवाले से हमारा है वो है इसके स्कोप के हवाले से, और स्कोप जो है ये सबसे एम्बिगुअस चीज है मैस कम्युनिकेशन की फील्ड में। जिनके पास तो नॉलेज है, जिनकी फैमिली में कोई मैस कॉम किया हुआ पहले से ग्रेजुएट मौजूद हो, या जिनके आस पड़ोस में कोई या कम्युनिटी में कोई मैस कॉम ग्रेजुएट मौजूद हो, तो उनको तो शायद इस हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो। लेकिन हमारे यहाँ तो पूरे का पूरा जिला ही ऐसा होता है जिसके अंदर कोई मैस कॉम का ग्रेजुएट होता ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में इसके स्कोप को जानना या इसके स्कोप की नॉलेज होना बहुत मुश्किल है। तो इसके स्कोप को अगर आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि मैस कॉम ग्रेजुएट के पास क्या क्या ऑप्शन होती है। इस स्कोप की बात के स्कोप में पहले आप ये देखते हैं कि ना जो मैस कॉम है इसका एक टाइम तो बूम आया था जब मुशर्रफ टाइम पे पाकिस्तान में नई नई मीडिया चल रहा था, बहुत ज्यादा बूम था, लोग बहुत ज्यादा उन्होंने। अब आके ना ये डाउनफॉल में चला गया, लोग अब इतने जर्नलिज्म की तरफ नहीं जा रहे, अब दूसरी फील्ड्स में जितना डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ई कॉमर्स है, इसलिए एडवर्टाइजिंग का इस वक्त ज्यादा बेहतर स्कोप। बाकी मूवीज प्रोडक्शन का पाकिस्तान में शुरू से हमेशा डाउन ही रहा और अभी भी उसका कोई इतना खास अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी उसके अब पहले से ज्यादा बेहतर है। पर जो जर्नलिज्म वो नीचे जा रहा है, पर अब फील्ड कुछ इसका मान गई कि आपको तीनों स्किल्स आने चाहिए क्योंकि आपने अपने आप को कहीं पे भी जाना। अब आपने सही बात कि लोगों को इस फील्ड का पता नहीं होता। दूसरा इस फील्ड की एक और चीज़ है कि अगर किसी के पास डिग्री भी नहीं भी है ना, वो इसमें आ सकता है। इसके लिए टेक्निकल स्किल्स ऐसे हैं कहना जो इतने मुश्किल नहीं, हर कोई सीख सकता है। हो सकता है आपको वीडियो बनाना मेरे से अच्छी आती है, लेकिन मुझे अब CS के स्किल्स सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, मुझे जिसके लिए मैंने एल्गोरिथम अच्छे होने चाहिए, मुझे अपनी मैथ अच्छी करनी चाहिए, पर आपके लिए ये चीज़ ईजी होगी। इसी तरह आपकी फील्ड में लोग ग्राफिक डिज़ाइनर इतने अच्छे थे, इस फील्ड में इस वजह से कम्पिटिशन भी ज़्यादा है क्योंकि ये फील्ड इतनी टेक्निकल नहीं है। तो आपकी फील्ड्स में और इंजीनियरिंग के फील्ड्स में उन लोगों का अगर वहाँ पे वो लोग कई लोग सेल नहीं कर रहे तो वो लोग इजीली इस फील्ड में आ सकते हैं, पर जो हमारी तरह के लोग होते हैं उनमें इस तरह जाने की उनको प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से लोग अब हमारी फील्ड में दूसरी फील्ड की चीज़ें इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। तो जैसे अभी पाकिस्तान में चीज़ इतनी कॉमन नहीं, पर ये बाहर काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग चीज़ है डाटा जर्नलिज्म, लोग उसके लिए भी CS की कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, सीखते हैं और फिर वो डाटा जर्नलिज्म को यूज़ करके अपनी न्यूज करते हैं। उसमें ना मैंने ये भी देखा है कि लोग जर्नलिज्म पढ़ रहे लोगों से ज़्यादा वो लोग होते हैं जो CS करते हैं। डाटा जर्नलिज्म में लोगों को डाटा प्रेजेंट करना, डाटा क्रिएट करना, इस तरह की चीज़ें होती है। काफ़ी फ्यूचर की बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप इसकी तरफ कोई भी जाना चाहिए तो ये बड़ा अच्छा स्कोप है। दूसरे हमने यूनिवर्सिटीज़ की बात की, यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक लम, NUST, IBA वगैरह, इसमें सिर्फ NUST किया जो ये ऑफर कर रहा है। उसके अलावा बाकी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कर रही हैं, गवर्नमेंट की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, PU होगी, GCU होगी, इसके अलावा MCA एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा इसके कुछ वेरियंट मैस कम्युनिकेशन है, कई जगह इसकी डिग्री का नाम मीडिया स्टडीज़ है, कुछ जगह में नाम इसका कम्युनिकेशन स्टडीज़ होता है। इस तरह इसके मुख्तलिफ फील्ड होते हैं, कुछ ये डायरेक्टेड होते हैं जैसे BA जर्नलिज्म भी इस तरह के इसकी एक वेरियंट है, उससे थोड़ा डिफर है क्योंकि उसमें सिर्फ जर्नलिज्म। तो जिसको इस पर जानना चाहिए उसको पहले ये देखना चाहिए, अपनी मर्जी करनी नहीं चाहिए, पहले ना उसको ना देखना चाहिए कि ना मुल्क के हालात क्या हैं, उसको अपनी फील्ड पे सर्च करनी चाहिए, आया वो अपनी मर्जी से जा रहा है कि नहीं, कि बहन भाइयों की मर्जी से जा रहा है। अगर उसको लगता है उसमें इतना टैलेंट है, वो क्रिएटिव है, वो इतना एक्स्ट्रावर्टेड है कि उस फील्ड में एक्सेल करेगा, फिर उसको आना चाहिए क्योंकि इस फील्ड में पहले ही डाउनफॉल है। तो अगर बगैर सोचे समझे फैसला नहीं करना, बेहतर है कि बंदा बाद में पूछता है ना इस फील्ड में किस और फील्ड में चला जाए, तो पहले अपने आप को असेस करना चाहिए, फिर इस फील्ड में आना चाहिए। अच्छा,
अच्छा कौन सी पर्सनैलिटी की टाइप मैस कॉम के लिए सूटेबल है, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट? ये ज्यादा तो ये एक्सट्रोवर्टेड है, अगर आप इंट्रोवर्ट रह के भी आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग वगैरह में एक्सेल कर सकते हैं, आप वीडियो वगैरह अच्छी बना सकते हैं, तो आप एक इंट्रोवर्ट भी इंसान जा सकता है। उसके अलावा कुछ कोई एम्बीवर्ट भी जा सकता है कि अपने आप को ओवर द टाइम अपने आप को डेवलप इतना अच्छा कर ले कि वो माहौल को अडॉप्ट कर ले, तो हो सकता है कि वो जर्नलिज्म में काम ही, पर ज्यादा एक्सट्रोवर्ट के लिए इसलिए अगर आप जर्नलिज्म की तरफ जाएंगे तो आपको प्रॉपर एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, आपको कहीं भी घबराना नहीं चाहिए, बगैर झिझक के लो फुल कॉन्फिडेंस हर किसी से सवाल पूछने में उसको जवाब निकालने की हिम्मत होनी चाहिए, और उसमें डरना भी नहीं चाहिए कि अगला इस फील्ड ही ऐसे जर्नलिज्म खास तौर पे कि इसमें लोगों की दुश्मनी अपने आप आती है, किसने उससे सवाल पूछा उससे ये हो गया, उन चीज़ों को ना रख के जेन में इंसान को देखना चाहिए अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छी है कि नहीं, बाद में पूछना से बेहतर यह है कि आप डिग्री सेलेक्ट करने से पहले फैसले करें। सही, तो इसके वजह से आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बताई हैं वो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो मैथ्स कॉम की फील्ड है ये इजीली इंटीग्रेटेबल है दूसरी फील्ड के साथ, लाइक अगर दूसरी फील्ड का बंदा भी मैथ्स कॉम की स्किल सीख के ये मैथ्स कॉम वाला काम करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है, क्योंकि मैथ्स कॉम की जो स्टडी है वो एज अ फॉर्मल स्टडी वो भी लाइक इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, वो आप कुछ कोर्सेज लेके वीडियो एडिटिंग या जर्नलिज्म वगैरह के तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई वो ये है कि जो मैथ्स कॉम की डिग्री है ये कई नामों से पाकिस्तान की कई यूनिवर्सिटीज में ऑफर की जा रही है, लाइक मीडिया स्टडीज़, कम्युनिकेशन स्टडीज़ और इस तरह से जर्नलिज्म स्टडीज़, तो इस तरह से ये काफ़ी नामों से ऑफर की जा रही है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, यही चीज़ मैंने रिपीट की थी, आप ये भी देख लें कि हमारे जर्नलिस्ट जो इतने मशहूर एंकर वगैरह उनमें से कई लोग ऐसे जिन्होंने मैथ्स कॉम नहीं पढ़ी, कोई वकालत करके साफत में आया हुआ, कोई इंजीनियर साफत में, इस तरह के काफी मुख्तलिफ लोग। सही, बहुत अच्छा लगा आपसे अब्दुल मोमिन बात करके। तो कोई क्लोजिंग नोट आप किसी एक ऐसे कैंडिडेट के लिए देना चाहें जो कि मैथ्स कॉम में आने का ख्वाहिशमंद है या वो इसके बारे में मजीद जानना चाहता है, तो उसको किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए मैथ्स कॉम में आने से पहले, या कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पर अवेलेबल जिनको एक्सेस करके वो मैथ्स कॉम के हवाले से एक प्रोफाउंड नॉलेज हासिल कर सकता है ताकि वो अपना एक अच्छा डिसीजन बनाए डिग्री में आने से पहले? सबसे अच्छा रिसोर्स आपने बात की, इंसान को सबसे पहले अपने आप को असेस करना, जिस तरह मैंने जिन पॉइंट्स पर बात की एक्सट्रोवर्ट है क्रिएटिव है, बंदे को पहले इन चीज़ों को देखना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट क्रिएटिव ये चीज़ है ना हमें इसी टाइम पे समझ आने लग जाती है। अब इंजीनियरिंग की फील्ड ऐसे लोगों को पता नहीं तो इंजीनियरिंग क्या है और लोग भाग पड़ते हैं कि मैं इंजीनियरिंग, इस फील्ड का ऐसा है कि ये चीज़ ना पता होना ईजी इंसान को पहले पता चलता है, क्योंकि लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग जिनकी अच्छी है वो लोग इजीली इस फील्ड में आ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं इजीली इस फील्ड में आ सकते हैं, इनको पता है कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जिनको शौक होता है मीडिया का, जिनको शौक होता है खबरें सुनने का कि करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, इस तरह के लोगों को अगर एस्पायरिंग अगर आप आना चाहते हो तो आपको आना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, ये फील्ड कंपैरेटिवली बहुत ईजी भी है। इस फील्ड के साथ साथ आप इसके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्किल्स पहले सीख कर आते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ लोगों को पहले से ही आती होती है, और वो चीज़ें अगर आपको चीज़ें पहले ही आती हैं तो आप फिर लाजमी इस फील्ड में आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, क्रिएटिव राइटिंग वगैरह, ये चीज़ें अगर आपको पहले आती हो, आपको एड कॉपी एड समझ आती है कि एड किस तरह लोग दे रहे हैं, ये चीज़ें अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको सिनेमैटिक्स बनाने का शौक है, तो फिर आप उसको इस फील्ड में आना चाहिए, बस इस फील्ड में थोड़ा ये देखना चाहिए कि इस फील्ड का स्कोप अब इतना अच्छा नहीं है, अगर सीएस वगैरह से कंपेयर करें लोग अब इस तरह आपको फौरन रिवार्डिंग भी नहीं कि आपको डिग्री के बाद फौरन सक्सेस मिल जाए, टाइम लगता है हर चीज़ में, अगर आप ग्रिंड करने के लिए आप तैयार हैं तो फिर आप आए बिल्कुल घबराए ना, और आपने सोर्सेज इंटरनेट पे सोर्सेज अगर आपको देख यूडीमी वगैरह कोर्सेज वगैरह मिल जाए तो यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे चैनल्स हैं, आप उनसे देख लें, आप यूनिवर्सिटीज़ के अगर जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें इस कोर्स के लिए उसका कोर्स करिकुलम देखें, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आती कि सब्जेक्ट क्या चीज़, आपने अपने जहन में कोई और चीज़ बनाई होती है बाद में सब्जेक्ट पढ़ने लगता तो और निकल, तो इसलिए बेहतर वही अगर आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आप कोशिश करें किसी तरह उसके ग्रुप्स वगैरह हैं, उसके पे फेसबुक ग्रुप्स हैं, वहाँ पे सीनियर्स से जाके पूछें, और ज़्यादातर सीनियर्स मैं तो अपने तजर्बे से ही सीखा, लोग गाइड करते हैं और आपको गाइड कर देंगे, अगर आप आना चाहते हैं कि नहीं आते तो आपको कुछ माइंड क्लियर हो जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करें। अच्छा, करियर के हवाले से एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इसके अंदर जो सेल्फ करियर डेवलपमेंट है, लाइक अपने आप के बलबूते पर कुछ अगर बनना चाहें तो
तो उसमें आपके पास काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में कोई मैस कॉम के रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है? एक गवर्नमेंट सेक्टर भी हो गया और इस तरह जो बड़ी कंपनीज वगैरह भी होते हैं, इनके अक्सर डिपार्टमेंट होते हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें आप लग जाएं। उसके अलावा आप पीआर हर गवर्नमेंट सेक्टर की होती है, या आर्मी की जिस तरह आईएसपीआर है, इसमें भी इनकी जॉब वगैरह आ जाती है, तो ये इस सेक्टर में भी गवर्नमेंट में लग जाए। बाकी प्राइवेट सेक्टर की कुछ मीडिया कंपनीज में एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, उसके अलावा कोई इनके अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं कि हमने अपनी नेम किस तरह चलानी वगैरह, तो इस तरह इनका कोई ना कोई जॉब वगैरह निकल आती है। बाकी इसमें ऑन योर ऑन बड़ा अच्छा स्कोप, आप फ्रीलांसिंग अच्छे कर सकते हैं, आपको इसमें इतना डिग्री मुश्किल नहीं होती, आपके पास टाइम अच्छा होता है, आप दूसरे स्किल भी इजीली सीख सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।